और आप जैसे देख रहे हैं कि मोदी जी के शुरुआत करने के बाद अभी कच्छ में पूरे गुजरात के रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरह मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आया है। वाइब्रेंट गुजरात में सबसे ज़्यादा MOUs साइन हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं हूं आपके साथ प्राची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया। इस समिट की इस बार की थीम भविष्य का प्रवेश द्वार यानी गेटवे टू फ्यूचर है। इसमें राज्य के भविष्य में होने वाले निवेशों और भविष्य के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में देश के बड़े बड़े कारोबारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें अडानी समूह के गौतम अडानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगल बिरला, सुजुकी मोटोकॉर्प, वेदांता ग्रुप, आर्सेलर मित्तल के अलावा कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हुए। इस समिट में धोलेरा, SIR, गिफ्ट सिटी, ड्रीम सिटी, अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल जैसे कामों के बारे में प्रदर्शनी लगी। इसके साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, प्लग एंड प्ले पार्क्स, स्मार्ट ग्रीन फील्ड शहर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए सेक्टर को शामिल किया जाएगा। इसी के बारे में बात करते हुए कच्छ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश भट्ट ने बातचीत करते हुए बताया कि वाइब्रेंट गुजरात के लिए सबसे ज्यादा MOU कच्छ से साइन हुए हैं। उन्होंने इसके संबंध में विस्तार से बताया, आइए आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप जानते हैं, ऐसा कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा से मैं शुरुआत करता हूँ। और कच्छ इटसेल्फ इज अ वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट आफ्टर स्टार्टेड दिस वाइब्रेंट गुजरात इवेंट। और आप जैसे देख रहे हैं कि मोदी जी के शुरुआत करने के बाद अभी कच्छ में पूरे गुजरात के रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरह मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आया है। बात रही वाइब्रेंट 2024 की, तो मैं आपसे एक बहुत अच्छी तसल्ली देने चाह रहा हूँ कि कच्छ से वाइब्रेंट गुजरात में सबसे ज़्यादा MOUs साइन हुए हैं और मैक्सिमम फैकल्टीज़ में वाइब्रेंट कच्छ में और वाइब्रेंट गुजरात में MOU साइन और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। उससे एम्प्लॉयमेंट और कच्छ की इकोनॉमी बहुत डेवलप होने जा रही है। वैसे डेवलप ही है लेकिन अभी तो और डेवलप हो जा रही है। कच्छ वाइब्रेंट महोत्सव क्या था, किसका फायदा हुआ, एक मैनिटोबा के साथ, कनाडा के साथ भी आपका कोई स्टैंप हुआ? या आई वाज दी ओनली चैम्बर इन दी गुजरात कि भाई हु अरेंज दिस डिस्ट्रिक्ट लेवल वाइब्रेंट कच्छ एंड देट वॉज हाईली सक्सेसफुल एंड आई थिंक मोर देन 36 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड देयर। मुझे लगता है कि ये वाइब्रेंट से प्रेरणा लेके हमने डिस्ट्रिक्ट पे किया और डिस्ट्रिक्ट में भी वाइब्रेंट इतना सक्सेस गया कि आप जानते हैं कि कच्छ में सबसे बड़ा ब्लेस्ड एरिया इसलिए कि दो पोर्ट है, एक अदानी पोर्ट और एक कांडला पोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर कच्छ का इतना बहुत बढ़िया है, लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है और लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति कच्छ में बहुत अच्छी है। तो और भी मैं चाहता हूँ और आपकी और से मैं बताना चाहता हूँ कि और भी कच्छ में आइए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए और कच्छ में इंडस्ट्रीज की है, वाइब्रेंट गुजरात है और वाइब्रेंट कच्छ है।